टीकाकरण संक्रामक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए अति आवश्यक है, इसलिए बच्चों को टीका सही समय पर लगवाना अनिवार्य है। टीकाकरण बच्चों के लिए सुरक्षित है, लेकिन कभी कभी टीकाकरण के पश्चात प्रतिकूल प्रभाव यानी AEFI हो सकते हैं। जैसे कुछ मामूली AEFI हैं, टीका लगने के स्थान पर लालीपन, सूजन और दर्द, हल्का बुखार, चिड़चिड़ापन और अस्वस्थता। कुछ AEFI गंभीर और दुर्लभ होते हैं, इनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसी ही एक गंभीर प्रतिक्रिया का नाम है एनाफिलैक्सिस। ये कहानी ऐसी ही एक घटना पर रची गई है। कहानी मेडिकल अफसर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मासिक समीक्षा की है, जहां डॉक्टर साहिबा, लेडी हेल्थ विजिटर और सभी ANM एनाफिलैक्सिस पर चर्चा कर रही हैं। आइए देखते हैं आगे। आज की मासिक समीक्षा शुरू करने से पहले हम रश्मि का अभिनंदन करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते रश्मि की सूझबूझ के कारण एनाफिलैक्सिस से एक बच्चे की जान बच गई। सही समय पर एड्रेनालिन इंजेक्शन देने से बच्चे की हालत में जल्द सुधार देखा गया। शाबाश रश्मि। रश्मि, क्या अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा नहीं करोगी? क्यों नहीं सुनीता दीदी, बिल्कुल बताऊंगी। तो बताओ रश्मि, उस दिन क्या हुआ? उस दिन टीका लगाने के बाद मैंने हमेशा की तरह बच्चे की माँ और बच्चे को आधा घंटा वहीं रुकने को कहा, और फिर ये देखिए मेरे सूरज को क्या हो रहा है। अरे, इसका चेहरा तो पूरा सूज गया है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अरे, मेरे बच्चे को क्या हो गया? घबराओ नहीं बहन, लगता है बच्चे को रिएक्शन हुआ है। अभी मैं इसे इंजेक्शन लगा देती हूँ, जिससे बच्चे की हालत में सुधार आ जाएगा, और फिर डॉक्टर को दिखा देंगे। मुझे वो एनाफिलैक्सिस के लक्षण जैसे लगे, तो फिर मैंने बिना देर किए एड्रेनालिन का एक डोज देने की तैयारी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने एनाफिलैक्सिस किट से डोज चार्ट में देखकर बच्चे की आयु के अनुसार एड्रेनालिन का इंजेक्शन तैयार किया, और फिर मैंने बच्चे की जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से को साफ करके 90 डिग्री से सीधे मांसपेशियों पर इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैंने इसकी सूचना नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल अफसर को दी और एम्बुलेंस भी बुलवा ली। लो, एम्बुलेंस भी आ गई। बहन, बच्चे को डॉक्टर को दिखा देना, मेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल अफसर से बात हो गई है, और देखो बच्चे में थोड़ा सुधार भी आ रहा है। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। माँ का अपने बच्चे के लिए घबराना तो लाजमी है। और फिर बच्चा स्वास्थ्य केंद्र पहुँच गया, और डॉक्टर साहिबा की देखरेख में कुछ ही घंटों में वो ठीक भी हो गया। शाबाश रश्मि, तुमने एक समझदार ANM की तरह स्थिति संभाली, शाबाश। धन्यवाद मैडम जी। मैडम, ये एनाफिलैक्सिस क्या होता है? एनाफिलैक्सिस एक गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है, जो ज्यादातर श्वसन प्रणाली, हृदय और त्वचा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। मैडम, हम एनाफिलैक्सिस की पहचान कैसे कर सकते हैं? रेनु, एनाफिलैक्सिस के लक्षण टीके के कुछ मिनटों बाद से लेके एक दो घंटों में देखे जा सकते हैं, और ये तेजी से बढ़ते हैं। इसके लक्षण तीन प्रणालियों में दिखते हैं। पहला, श्वसन प्रणाली, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होना, जीभ, होठों, गले के अंदर सूजन आना, सांस लेते समय सीटी की आवाज आना, सांस लेते समय छाती में घुरघुराहट की आवाज आना, जीभ, होंठ, कान आदि नीले पड़ना देखा जाता है। दूसरा, ये हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है, जिसके लक्षण हैं दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर कम होना, बेहोश होना और चक्कर आना देखा गया है। और तीसरा, त्वचा प्रणाली पर इसके लक्षण दिखते हैं, जैसे शरीर पर खुजली होना, शरीर पर लालीपन होना, शरीर पर लाल चकत्ते होना, सूजन आना, खासकर चेहरे, होंठ, जीभ, पलकों आदि पर। एनाफिलैक्सिस बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए बच्चे पर निगरानी रखना और उसे तुरंत इलाज मिलना बहुत जरूरी है। तभी तो लाभार्थियों को टीके के बाद 30 मिनट इंतजार करने को कहा जाता है,
कि अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत कार्यवाही की जा सके। बिल्कुल सही कहा सुनीता। और इन तीन प्रणालियों में से किसी दो प्रणालियों में एक एक लक्षण दिखे तो उसे एनाफिलैक्सिस के तौर पर लें और तुरंत बच्चे को आयु अनुसार एड्रेनलिन का एक डोज लगा दें। मैडम जी, एनाफिलैक्सिस होने पर एएनएम की क्या भूमिका रहती है? एनाफिलैक्सिस का सही समय पर इलाज न करने पर यह जानलेवा हो सकता है। अब इसके लक्षण दिखने पर एएनएम को एड्रेनलिन का एक डोज लगाने की अनुमति है। इसलिए सुनिश्चित करें कि टीकाकरण सेशन करते समय आपके पास एनाफिलैक्सिस किट मौजूद हो। एनाफिलैक्सिस किट हमेशा तैयार होना चाहिए और हमें हर 3 महीने में इसे मेडिकल अफसर से एक्सपायरी डेट के लिए प्रमाणित कराना जरूरी होता है। एकदम सही। मैडम, एनाफिलैक्सिस किट में क्या क्या सामान मौजूद होना चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा पूजा। किट में एड्रेनलिन के 1 ml 1:1000 डाइल्यूशन की 3 ampoule, 3 1 ml के बिना सुई वाले ट्यूबरक्यूलिन सीरेंज या 3 40 units के बिना सुई वाले इंसुलिन सीरेंज, 3 24G या 25G की 1 inch लंबी सुइयां और त्वचा साफ करने के लिए रुई मौजूद होनी चाहिए। हमें एड्रेनलिन की एक्सपायरी डेट का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन के नाम से भी आता है। इसके अलावा एनाफिलैक्सिस किट में डोज चार्ट या खुराक सारणी, पीएचसी या सीएचसी के मेडिकल अफसर का नाम और फोन नंबर, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का पता और लोकल एम्बुलेंस का फोन नंबर होना भी जरूरी है। किट में मेडिकल अफसर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। मैडम जी, अगर सुनिश्चित हो जाए कि बच्चे को एनाफिलैक्सिस है तो क्या करना चाहिए? एनाफिलैक्सिस सुनिश्चित होने का इंतजार ना करें। जैसे ही लक्षण दिखें और आपको जरा सा भी शक हो तो बिना डरे सही मात्रा में एड्रेनलिन का एक डोज लगा दें। अगर एनाफिलैक्सिस ना भी निकला तो एक डोज से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर एनाफिलैक्सिस हो तो बच्चे की जान बचाने में वो एक डोज बहुत कारगर होगा। बस हमेशा ध्यान रहे कि इसकी सूचना जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल के मेडिकल अफसर को दें और बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। अगर एम्बुलेंस के आने में देर हो रही हो तो किसी दूसरी गाड़ी में बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप नजदीकी अस्पतालों के टेलीफोन नंबर सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रखें। मैडम जी, एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, बता दीजिए ना। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले शिशु की आयु के हिसाब से डोज चार्ट में एड्रेनलिन डोज की मात्रा देख लें। किट में मौजूद ट्यूबरक्यूलिन सीरेंज 1 ml या 40 units के इंसुलिन सीरेंज पर 1 inch लंबी 24G या 25G की सुई लगा दें। इसके बाद उचित मात्रा में डोज सीरेंज में भर लें। फिर रुई से जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से को साफ करें और 90 डिग्री के कोण पर सीधे मांसपेशियों में इंजेक्शन लगा दें। बिल्कुल वैसे जैसे आप पेंटावेलेंट या DPT का टीका लगाते हैं। एक बात और, अगर बच्चा होश में है तो उसे सीधे लेटाकर उसके पैरों को ऊपर उठाकर रखें ताकि खून का बहाव दिल की तरफ ज्यादा हो, और अगर बच्चा बेहोश है तो उसको एक तरफ करवट पर लेटाकर रखें ताकि अगर बच्चे को उल्टी हो तो वो उसके श्वास नलियों में ना जाए। इसके साथ ही ध्यान रखें, एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाने का समय नोट करें, मेडिकल अफसर को रोगी की स्थिति के बारे में बताएं, एड्रेनलिन इंजेक्शन लगने के बाद टीकाकरण कार्ड पर इसका उल्लेख करें। ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। सभी माता पिता और अभिभावक हम पर भरोसा करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एनाफिलैक्सिस से किसी की जान ना जाए। क्यों, अब सबको एनाफिलैक्सिस के बारे में सब याद रहेगा ना? हाँ दीदी, अच्छे से। इन सबको तो याद रहेगा, क्या आपको याद रहेगा? चलिए कुछ जरूरी बातों को फिर से दोहराएं। टीका लगने के बाद बच्चे और अभिभावक को आधा घंटा इंतजार करने को कहें। एनाफिलैक्सिस किट
हर टीकाकरण सेशन में मौजूद होना जरूरी है। एनाफिलैक्सिस किट में मौजूद सामान की एक्सपायरी डेट के लिए हर 3 महीनों में मेडिकल अफसर से प्रमाणित कराएं। एनाफिलैक्सिस का जरा सा भी शक होने पर बिना देर किए बच्चे को एड्रेनालिन का एक डोज लगा दें। एड्रेनालिन देने से पहले शीशी पर एक्सपायरी डेट को देख लें। बच्चे को डोज चार्ट में देखकर आयु अनुसार ही एड्रेनालिन का डोज दें। एड्रेनालिन का डोज इंजेक्शन द्वारा जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में सीधे मांसपेशियों में लगाएं। एड्रेनालिन का डोज देने के बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल के मेडिकल अफसर को सूचित करें। एड्रेनालिन इंजेक्शन लगने के बाद टीकाकरण कार्ड पर इसका उल्लेख करें और बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। याद रखें, एनाफिलैक्सिस की शंका होने पर तुरंत एड्रेनालिन का एक डोज मांसपेशियों में लगाना सुरक्षित है और जान बचाने में कारगर हो सकता है।